today I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana Party is not going to be separate anymore from the Congress Party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress Party all his life, but also lived his life serving the Congress Party. Andhra Pradesh ke Congress Committee ke adhyaksh Gidgu Rudra Raju ne apne pad se istifa de diya hai. और जिससे ये एस शर्मिला को पार्टी की नई अध्यक्षता का रास्ता साफ हो गया है। ये एस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ये एस जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी बनाई हुई ये एस आर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया है। इस घटना के पीछे क्या राजनीतिक कारण है और क्या है पूरी रणनीति, इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। गिडगू रुद्र राजू ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने का मौका मिला है। इसके पहले गिडगू रुद्र राजू ने साल 2022 में अपना पद गोपनीयता से संभाला था और उन्होंने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की पुनर्जीवनी के लिए कई कार्यक्रम और अभियान चलाए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा है कि वो अपने पद से हटकर पार्टी के लिए नई ऊर्जा और नई दिशा लाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इस इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह ये एस शर्मिला का कांग्रेस में शामिल होना है, जिसकी घोषणा उन्होंने 4 जनवरी को दिल्ली में की थी। आपको बता दें ये एस शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये एस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं और उनके भाई ये एस जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये एस शर्मिला ने साल 2021 में तेलंगाना में ये एस आर तेलंगाना पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करके कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का फैसला कर रही हैं और यही फैसला उन्होंने लिया है। ये एस शर्मिला का कांग्रेस में शामिल होना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला है। आंध्र प्रदेश में ये एस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे वो अपने भाई के विरोध में एक ताकतवर विकल्प बन सकती हैं। ये एस शर्मिला ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि उनके पिता ये एस राजशेखर रेड्डी का सपना था कि वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और वो अपने सपनों को पूरा करने में अपना योगदान देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की ओर से उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे निभाने के लिए तैयार है। तेलंगाना में ये शर्मिला का कांग्रेस में आना एक बड़ा बदलाव लाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है और वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बोलबाला है। ये एस शर्मिला ने अपनी पार्टी के जरिए तेलंगाना के लोगों को आंध्र प्रदेश के लोगों से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पार्टी को तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली थी। अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर तेलंगाना में एक नया राजनीतिक गठबंधन बना सकती है जो के चंद्रशेखर राव की तानाशाही को चुनौती दे सके। तो ये था आज का हमारा खास वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे गिडगू रुद्र राजू ने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये एस शर्मिला को कांग्रेस की नई अध्यक्षता का रास्ता साफ किया। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।